हेलो व्यूअर्स, एक कमेंट सुनिए आप रोहित छपराना जी का। स्पीक अप एंड गिव डिटेल्स ऑफ 24 आवर्स वॉक्सवैगन एंड्योरेंस टेस्ट व्हिच टेक्स प्लेस 2 डेज बैक स्पेशली ऑन 1.0 वर्टस ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। तो देखिए, इस पर टिप्पणी मैंने 2 बार ट्विटर पे की है बट यूट्यूब पे नहीं की। आई वॉज नॉट ओवरली एक्साइटेड अबाउट दीज टेस्ट बट आई हैव टू से कि जब मैंने वो रीट्वीट किया जो इन्होंने टेस्ट किया है वॉक्सवैगन ने, तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। मैं कमेंट्स दिखाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं 1.60 या 70 लाख किलोमीटर जो है अपनी 3 जो गाड़ियाँ हैं वॉक्सवैगन स्कॉडा की, वो चला चुका हूँ। तो हमें ये बहुत कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगता, मतलब दीज कार्स। एक कमेंट है मेरे फ्रेंड है ट्विटर पे, अरमान संधु जी, इनके जो थॉट्स हैं वो ही मेरे थॉट्स हैं। वो कह रहे हैं आई एम नॉट इवन रिमोटली सरप्राइज्ड दिस व्हाट दीज कार्स आर डिजाइन टू डू फ्रॉम ग्राउंड अप। All these engines, the chassis is made with one thing in mind, Autobahn, flat out on Autobahn forever. Autobahn, I believe it is German, right? But हम चला रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे KL राहुल को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। मेरे जो ट्विटर के वहाँ पे फॉलोअर्स हैं उनके साथ मेरा बैंटर चलता रहता है। I support him thoroughly. मैं ना उसकी टेक्निक मुझे अच्छी लगती है एंड आई बिलीव के रोहित शर्मा के विराट कोहली के बाद अगर कोई टेक्निकली साउंड बैट्समैन है तो वो KL राहुल है। नो डाउट फेलियर्स हुए हैं, टेस्ट में भी एवरेज कोई अच्छी नहीं है। तो अभी जब साउथ अफ्रीका में भी उसने सेंचुरी मारी जबकि सारी बैटिंग लाइनअप फेल हो गई थी, विराट कोहली ने भी अच्छे रन बनाए थे, तो सभी कह रहे हैं KL भाई आई एम सॉरी, हमने ऐसा सोचा, आपने इतना अच्छा खेला। मुझे लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, वो ही इज मेड अप लाइक दैट कि वो अगर कंडीशंस मुश्किल होंगी तो उसमें रन्स बनाएगा, टेक्निक वैसी है सिंगल डबल लेने वाली। तो सिमिलरली ये टेस्ट जो हुआ है जिसमें 4600 के आसपास जो रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, वर्टस ने 1.5 DSG के साथ रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, XUV700 का। आई गेस इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अ पर्सन हु इज नॉट ड्राइविंग दीज कार्स बट द वंस हु ट्रस्ट दिस ब्रांड ऑलरेडी, द पीपल लाइक अस हु आर ड्राइविंग 1.0 ऑटोमेटिक, 1.2 MPI, 1.0 MPI, तो हमें कोई इस पर शक नहीं है, शक को शुभ नहीं है। येस, बट मैं ये सुन के हैरान हूँ कि मैंने पढ़ा हुआ है कि जब आप 300 किलोमीटर के आसपास कार चलाते हो तो उसको रेस्ट चाहिए होती है, बट जो 1.0 है उसने 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक तो उसने XUV700 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि वो भी टॉप स्पीड पे जब चलाई गई तो उसने 4400 के आसपास 1.0 एंड 4600 के आसपास 1.5 ने ऑटोमेटिक दोनों टेस्ट किए गए हैं, मैनुअल भी टेस्ट किया गया है, और कुछ 29 के आसपास 55 की स्पीड पे जब टाइगून चलाई गई तो उसने 29 KMPL की जो है फ्यूल एफिशिएंसी दी है। एक चीज़ मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, 29 तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि हम कोई 55 की स्पीड पे नहीं चलाएंगे, बट 1.0 एंड 1.5 टर्बो इंजन्स ये हाईवेज पे पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। तो हाईवेज पे ये इंजन्स पर्टिकुलरली बहुत फ्यूल एफिशिएंट है एंड 17 से लेके 19 तक तो मैं भी निकाल लेता हूँ, बट ट्विटर पे मेरे साथ या यूट्यूब पे भी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, 20+23 तक 1.0 ऑटोमेटिक और मैनुअल से फ्यूल एफिशिएंसी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने निकाली है। अब जो कुछ अच्छे कमेंट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हम इतना पढ़ते हैं, इतना डीप चले जाते हैं हर चीज़ में कि कोई जल्दी चीज़ हमें एक्साइट नहीं करती। हम एक ऐसी चीज़ को एक्साइट कर सकती है कि TDIs वापस आ रहे हैं, पोलो पे विचार कर रही है वॉक्सवैगन, हमें कम से कम ऐसी खबर चाहिए एक्साइटमेंट के लिए। बट ये एंड्योरेंस टेस्ट जिस तरीके से मार्केट किया गया है वॉक्सवैगन के द्वारा, ग्राउंड पे इसकी फीडबैक बहुत अच्छी है एंड मैं कुछ कमेंट्स आपसे साझा करना चाहता हूँ। डॉक्टर थिप्पू करके हैं मेरे एक फॉलोअर, उन्होंने बोला है कि आई हैड डाउट्स ऑन रिलायबिलिटी ऑफ स्मॉल पेट्रोल इंजन स्पेसिफिकली 1.0 लीटर, वो चला गया उनका। वॉज वेरी सरप्राइज टू रीड 29 KMPL विद 55 KMPH क्रूज ऑन टेस्टिंग। थर्ड पॉइंट, द ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय ऑल टेस्ट ड्राइवर्स एंड द रिफाइनमेंट दे आर एडमायरिंग इमेंसली इज टेम्प्टिंग मी टू ड्राइव वन। ठीक है, ये पॉजिटिव कमेंट। फिर हैं कुणाल कुलकर्णी जी, The endurance test has proven the reliability concern of the India 2.0 cars from VW and it has passed with flying colors. Fir hai Sandesh Jagannath ji, after the recent endurance test by VW, I have a lot more respect for their cars and engines, especially the 1.0 TSI, hands down the best small capacity engine in the world. To kuch aur comments bhi maine screenshots liye hue hain, Mahendra Yadav ji bhi hain. तो ये अपनी कार को कह रहे हैं, आई रिपीटेडली थैंक वॉक्सवैगन इंजीनियरिंग व्हेनेवर आई एम ऑन द हाईवेज
एंड हैव टू आइदर अप्लाई सडन ब्रेक्स और सडनली स्टीयर अवे फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल. ब्रेकिंग, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हीकल स्टेबिलिटी ऑलवेज मेक्स मी फील इन कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ द व्हीकल एंड सिचुएशन. तो जो पोस्ट मैंने रीट्वीट की थी उस पर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं. तो एज अ पोटेंशियल कस्टमर, जो अब देखिए पोटेंशियल कस्टमर को तो 1.0 सुन के लगता है कि 1000 cc में इतनी लंबी गाड़ी वर्टस जैसी, बट अब उनको कैसे समझाए कि अगर मैं धर्मशाला जाके आया हूँ, मैं बड़ोग जाके आया हूँ, तो वो कितनी ज़बरदस्त ताकत है उस इंजन में 175 Nm टॉर्क के साथ, और ऑटोमेटिक उसका इतना ज़बरदस्त है कि पैडल शिफ्टर भी आपको ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, यू जस्ट प्रेस इट, 3-4 व्हीकल्स आप चुटकी में जो है ओवरटेक कर सकते हो. तो इट इज़ रियली गुड एफर्ट बाई वॉक्सवैगन. शुरू में मुझे लगा था कि यार ये अगर इस साल कुछ और अपडेट्स लेके आने वाले हैं तो उस पर फोकस किया जाए, ये कहीं ऐसा ना हो कि जो हम करने वाले हैं उस पर पैसे वेस्ट हो जाए. बट दिस श्योरली हैज़ हेल्प्ड VW. एक बहुत 15-20 दिन चर्चा रह रही है इस चीज़ की कि 4600 किलोमीटर जो है एक्सपर्ट्स ने गाड़ी चलाई है, जिसमें मैंने देखा है शिरीष सर थे ईवो इंडिया के, मैंने फैजल खान सर को भी देखा है, मुझे लगता है गगन चौधरी सर भी थे उसमें, एंड कुछ और भी हैं ट्विटर पे, मैं उनके बाय फेस उनको जानता हूँ, मुझे नाम नहीं पता. तो वो सभी ने जो है कार्स जो है वो चलाई हैं. अपोलो ने इसको आई बिलीव स्पॉन्सर किया था, अपोलो टायर्स ने. तो वो भी बहुत मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि अगर मैं कोई अपोलो को ऐसा नहीं कह रहा, बट जो ग्लोबली एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं जिसमें ब्रिजस्टोन, योकोहामा, तो अगर ये टायर्स भी उसमें होते तो फिर क्या परफॉर्मेंस होती, थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ता कि नहीं पड़ता. बट अपोलो के पार्ट पे ये बहुत अच्छी बात है कि 4300 किलोमीटर्स में कोई दिक्कत नहीं आई. कार्स ने अगर ये रिकॉर्ड तोड़े हैं तो वो अपोलो टायर्स के साथ तोड़े हैं, और वो भी आई थिंक सिक्योरा ड्राइव था. मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था ट्विटर पे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो कोई टायर उनका प्रीमियम वाला नहीं था, नॉर्मल टायर जो साथ में लग के आता है वही था. तो रियली गुड जो मार्केटिंग टीम है उसने ठीक किया ये चीज़ करके. जो रिकॉर्ड है अभी ऑन पेपर VW का बोलेगा तो दैट्स रियली गुड. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2024 के अभी कुछ जो मैंने वीडियो बनाई थी कि कुछ अपग्रेड्स चाहिए थोड़ी बहुत, तो वील सी के 2024 में वॉट Volkswagen have in the bag. Looking forward for it. Keep supporting, keep loving. Visit my website volclub.com for reviews, consultation and many more things. Thank you so much.